नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बात हमेशा से कही जाती है, वो ये कि जब तक भारत के लोगों के बीच सांस्कृतिक एकता है, तब तक इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता। अब ये सांस्कृतिक एकता क्या है, कई लोग पूछते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब तक तमिलनाडु के लोगों की आस्था नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, उत्तर प्रदेश के गंगा, वाराणसी, प्रयागराज में है, और जब तक उत्तर के लोगों की आस्था रामेश्वरम और बालाजी तिरुपति में है, पद्मनाभन मंदिर में है, जब तक शंकराचार्य के चारों मठ चारों दिशाओं में विद्यमान हैं और लोग देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर वहां पूजा अर्चना करते हैं, ये जो भावनात्मक एकता है, इसे ही सांस्कृतिक एकता कहा गया है। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, एक कहानी और कही जाती है इसके काउंटर में, और एक काउंटर नैरेटिव ये है कि कभी ईरान से लेकर बांग्लादेश, जावा, सुमात्रा तक भारत एक था, सांस्कृतिक एकता थी। लेकिन पहले ईरान अलग हुआ हमसे, अफगानिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया हमसे दूर चले गए। वो क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि जो सांस्कृतिक बंधन था उससे उन्हें आज़ाद कर दिया गया। और सांस्कृतिक बंधन क्या? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में इस्लाम का उदय हुआ। जब धर्म बदला तो आस्थाएं बदली, और जब आस्था बदली तो दिलों में दूरियां आई, और जब दिलों में दूरियां आई तो ज़मीन का बंटवारा हुआ। ये कहानी आज एक बड़े समाचार के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक न्यूज़ आई है, और न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है कि एक और बड़ा खतरा भारत पर मंडरा रहा है। वो खतरा क्या है? मैं क्यों कह रहा हूं कि देश के कुछ हिस्सों में अलगाववाद की आग सिर्फ इसलिए है कि वहां डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, वहां के लोगों की आस्था यहां की सांस्कृतिक आस्था से दूर की जा रही है, वो सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आज ही एक आंकड़ा आया है, और आंकड़ा ये है कि उत्तर से शुरू करते हैं, लद्दाख में सिर्फ 1% हिंदू, जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4% हिंदू, अगर दक्षिण की बात करें तो लक्षद्वीप में सिर्फ 2% हिंदू, पूर्वोत्तर की बात करें तो मिजोरम में 2%, नागालैंड में 8%, मेघालय में 2% हिंदू बचे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ उन्हीं हिस्सों में अलगाववाद की मांग क्यों होती है जहां हिंदुओं की आबादी कम होती जाती है? भारत में किन किन राज्यों में अलगाववाद की मांग उठी, और क्या वो इस कारण उठी कि वहां हिंदुओं की आबादी कम हो गई? अगर ये सच है और अगर इतिहास इसकी गवाही देता है तो हमें चिंतित होने की जरूरत है कि देश के 7 राज्यों में हिंदुओं की आबादी 10% से नीचे है। लेकिन आबादी 10% से नीचे होने के बावजूद वहां बहुसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है हिंदुओं को, और जिनकी आबादी 90%, 97%, लक्षद्वीप में मुसलमान 97%, कश्मीर में मुसलमान 96%, जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ईसाई 80% से ऊपर, लेकिन जो 80% के ऊपर हैं, जो 96% हैं, 97% हैं, उनको तो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है उन्हीं राज्यों में, लेकिन 1% जो हिंदू हैं, 2%, 3% हैं, उन्हें बहुसंख्यक कहा जा रहा है, और उन्हें बहुसंख्यक होने के चलते कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो एक मांग उठ रही है कि क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है? क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक राज्यों के अनुसार दिया जाए कि जिन राज्यों में जिसकी आबादी ज्यादा है उसे बहुसंख्यक मान लिया जाए और जिसकी आबादी कम है उसे अल्पसंख्यक मान लिया जाए? ये मांग उठ रही है। मांग ये भी उठ रही है कि आखिर उन्हीं राज्यों में अलगाववाद, सिख अलगाववाद पंजाब में, मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी कश्मीर में इसलिए वहां अलग देश, आजाद कश्मीर की मांग, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद इसलिए क्योंकि वहां ईसाई चर्च मिशनरियों की बहुतायत है, संख्या ज्यादा हो गई, हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, और इसी से जुड़ी साजिश मणिपुर में की जा रही है। मैती समाज ज्यादातर 80% से ज्यादा
हिंदू आस्था को मानता है वो रामेश्वरम में भी पूजा करने जाता है, बनारस में भी पूजा करने जाता है, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी जाता है और द्वारिका में भी जाता है। तो उसकी आस्था, उसका भाव शेष भारत के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वैसी समुदाय जो म्यांमार से आए हैं, जिनकी आस्था वैटिकन है, वैसे समुदाय जो मक्का और मदीना को पूजते हैं, क्या भारत के साथ उसी तरह सांस्कृतिक बंधन में बंधे हैं जैसे यहाँ के हिंदू, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, या भारत से उत्पन्न होने वाले धर्मों के लोग जैसे जैन, सिख वगैरह जुड़े हुए हैं? वैसे कौन से लोग हैं जिनके लिए पुण्य भूमि भारत है, उनके सारे तीर्थ भारत में हैं? और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए पुण्य भूमि सात समंदर पार, वैटिकन और अरब है? क्या उनकी आस्था भारत के प्रति है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मांग अलगाववाद की हमेशा वहीं से उठी है जहां की पुण्य भूमि बाहरी है या उनकी आस्था भारत भूमि न होकर कहीं और है। नमस्कार।